हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। बाकी 7 बज गए थे और नताशा का यहाँ पे दूध भी मैंने गर्म कर दिया था। क्या हुआ था कि रात का ना दूध बचा हुआ था, फट गया था, तो फिर मैंने उसमें क्या क्या चीनी डाल के ना मिठाई बना दी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो दूध फट जाए तो आप उसको वेस्ट ना करें, उसमें चीनी डाल दें, बहुत ही टेस्टी मिठाई बन जाती है। तो मैं कभी भी, दूध फटता है तो मैं कभी वेस्ट नहीं करती हूँ दूध को, मेरे को बहुत पसंद है, मैं शुरू से ही बनाती हूँ ये। तो यहाँ पे सुबह सुबह नताशा भी साथ में उठ गई थी, तो उसका भी दूध, उसको दूध पिला के फिर फ्री होके फिर मैं लंच की तैयारी करने लग गई थी। एक्चुअली क्या था कि हस्बैंड को भी जाना था और फिर बेटी भी जग गई थी, तो बेटी को जल्दी जल्दी मैं दूध पिला के फिर, क्योंकि नाश्ता तो बनाने का टाइम नहीं होता है बेटी का, तो यहाँ पे हस्बैंड की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ मैं पराठे के लिए आटा लगा रही थी। सुबह सुबह ना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि कुछ हम एक्स्ट्रा काम करें, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी नहीं पड़ जाए, ज़्यादा काम ना हो और जल्दी से फ्री हो जाए। तो काम तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह बस जल्दी से हो जाए काम, बट क्या है कि वही टाइम तो लगता ही काम करने में। तो यहाँ मैं 2 टाइप का परोठा बना रही थी, एक नमक मिर्च का बना रही थी और एक सिंपल वाला बना रही थी। मुझे नमक मिर्च जो नाश्ते में है वो बहुत अच्छा लगता है। सबके घरों में अलग अलग टाइप का ही परोठा बनता है, मोस्टली के घरों में गोल या फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसी भी टाइप का बना लेते होंगे, मेरे यहाँ पे तो ऐसे ही बनता है। तो सुबह मैं सबसे पहले जब भी मतलब कि फ्री होती हूँ तो सबसे पहले मनी प्लांट को पानी देती हूँ, क्योंकि पानी सुबह सुबह उनको देना बहुत अच्छा रहता है और फिर वो भी तो प्यासे बैठे रहते होंगे पानी के लिए। तो यहाँ पे मेरा ब्लिंकिट का भी ऑर्डर आ गया था और ये बिग बास्केट का है, मैंने 3 ऐप से मंगाया था, तो बिग बास्केट से मैंने थोड़ा ज़्यादा मंगाया था, क्योंकि क्या है यहाँ पे ना छोटी छोटी चीज़ें भी अवेलेबल हो जाती है, तो फिर क्या है कि आसानी रहती है चीज़ें ना यहाँ से मंगाने में। नहीं तो क्या होता है कि दूसरी जो ऐप हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या फिर ब्लिंकिट, तो यहाँ के मतलब कि छोटी चीज़ें नहीं मिलती है, मतलब कम क्वांटिटी में नहीं मिल पाती है। और बिग बात है कि इस पे ना आप मतलब कि कुछ भी मंगा सकते हो, छोटी सी छोटी चीज़ भी मिल जाती है। तो क्या होता है कि बेटी की जो चीज़ें होती है ना मोस्टली मैं बिग बास्केट से ही मंगाती हूँ, और ये फ्लिपकार्ट का सामान था, फ्लिपकार्ट से मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी चीज़ ऑर्डर कर लेती हूँ, इस पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। अदर ऐप के अब आपके घर में बेबी है और आप बाहर नहीं जा सकते हो तो सबसे अच्छा लगता है कि ऑनलाइन चीज़ें मंगा लो और घर पे आ जाती है। तो यहाँ पे नताशा भी उठ के खेल रही थी, फिर थोड़ी देर मतलब आधा एक घंटे बाद ये सो गई थी। फिर क्या था कि मेरी दी के बच्चे आ गए थे मेरे पास पढ़ने के लिए, एक्चुअली कि ये शादी से पहले ना मेरे पास ही पढ़ते थे और शादी के बाद फिर मैं नहीं पढ़ा पाती थी। तो जब मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ तब से ये लोग मतलब मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, नहीं तो ये पहले कहीं और ही पढ़ते थे। तो दी की लड़की जो है वो तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, बट जो मेरी दी का लड़का है वो ना बहुत ज़्यादा शरारती है, मतलब कि ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, खेलने कूदने में बच्चे होते हैं ना कि ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उन्हीं में से ये है। तो मैं क्या हुआ था कि फ्री होके ना फिर मैं अपनी दी के घर चली गई थी, क्योंकि क्या होता है अकेले ना ज़्यादा मन नहीं लगता है, कितना अकेले इंसान रहेगा, तो बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी दी के घर ही चली जाती हूँ थोड़ा शाम के टाइम पर, और फिर वहाँ से वापस आ जाती हूँ, फिर आधा एक घंटा रुक के फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ये नताशा इनके साथ खेल रही थी आंचल के साथ, आंचल के साथ ज़्यादा मतलब रहती है, आंचल इसको खिलाना बहुत पसंद करती है, तो क्या होता है कुछ कुछ बातों पे चिढ़ भी जाती है, तो रोने लग जाती है, कभी खेलने लग जाती है। तो फिर हम लोग जब घर से वापस मतलब कि उनके घर से वापस आए तो फिर मैंने नताशा के लिए यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही थी। क्या होता कि बच्चों अगर अच्छे से खा लेता है ना तो नाइट में फिर वो पूरी रात सोता है और फिर बीच में तंग नहीं करता है आपको दूध पीने के लिए। तो घर में नाइट में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कुछ हैवी सा कुछ बना के खिला दूँ। तो नताशा का यहाँ पे रेडी हो रहा था डिनर, तो यहाँ पे मैंने बना लिया था, मैं इसके लिए वो बना रही थी सूजी का खीर बना रही थी नाइट में, बदल बदल के ही नताशा के लिए डिनर या नाश्ता जो भी होता है बदल के ही बनाती हूँ। तो क्या होता है इससे बच्चा का ना मन भी करता है खाना खाने का, अगर हम एक ही चीज़ बेबी को देते रहते हैं ना तो फिर वो बोर हो जाता है, उसका मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने नताशा को मतलब कि डिनर करा के फिर सुला दिया था,
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, कहीं जाते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं पड़ता है कि कितना टाइम हो गया। तो फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि नाइट में हम लोग सो ही गए थे तो मॉर्निंग में वेदर अच्छा हो रखा था। क्या था कि सुबह मैं जब भी सो के उठती थी ना तो फिर धूप आ जाती थी, क्योंकि धूप क्या होता है कि 6 o'clock हमारे यहाँ पर आ जाती है धूप, तो आज तो मौसम बहुत अच्छा था। और फिर मैंने मीशो से ऑर्डर किया था तो मीशो भी लेके आ गया था कुर्ती। तो कुर्ती तो वैसे तो बहुत प्यारी लग रही थी, बट क्या था कि जब मैंने अंदर खोल के देखा तो इसका साइज़ ना बहुत छोटा था, क्योंकि हमने तो जो ऑर्डर किया था वो मीडियम साइज़ था, मीडियम जो मतलब पैकेट था उस पर भी मीडियम ही लिखा हुआ था, बट जब अंदर देखा तो स्मॉल साइज़ का निकला, तो स्मॉल साइज़ मेरे में नहीं आता है, मीडियम ही आता है। तो फिर मैंने इसको मतलब कि रिटर्न का भेज दिया था रिक्वेस्ट, तो फिर वो आ तो गए थे, उनकी कॉल आ गई थी लेने के लिए, तो मैंने इनको रिटर्न ही कर दिया, मैंने वापस इसको नहीं मंगाया, क्योंकि सोचा कि लोकल मार्केट से ही जाके ले लूँगी। जो कपड़े होते हैं ना वो मुझे एक्चुअली ऑनलाइन कपड़े ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं मंगाने, कहते दिखते कुछ और है और फिर वो मिलता कुछ और है, और फिर जो हम सामने से लेके आते हैं ना तो उसकी क्वालिटी भी हम चेक करके लाते हैं और फिर जो हमें पसंद होता है वही लाते हैं। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी बेटी को लेके, क्या होता है कि काफ़ी टाइम हो गया था फ्रेंड से मिले हुए, तो मन कर रहा था कि चलो आज फ्रेंड से मिलके भी आ जाते हैं। और फिर उसका घर जो है वो ना मार्केट में है, तो मार्केट में क्या था कि मेरे को थोड़ा सामान भी लेना था। एक्चुअली हमारे पास ना मंदिर नहीं था, क्योंकि हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो मैंने सिर्फ एक फ़ोटो ही रखी थी, उसी से मैं पूछा करती थी। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, वैसे तो जब मैं यहाँ से गई थी तो वेदर बहुत अच्छा था, बट फिर बाद में बहुत गर्मी सी हो गई थी तो मेरे पास कुछ ऑप्शन तो था नहीं नताशा को कुछ खिलाने के लिए। तो मैं हमेशा इस मतलब नताशा के लिए ना बिस्किट हमेशा कैरी करके रखती हूँ, 6 months से ही रखती हूँ, क्योंकि ये मतलब कि सबसे इजी होता है, क्योंकि हम बेबी को कितना मतलब दूध पिलाएंगे। तो फिर मैंने बिस्किट ही खिला दिया था, फिर हम मार्केट के लिए निकल गए थे शाम के टाइम पे। तो मार्केट में तो यार इतनी चीज़ें होती हैं, मन करता है कि सब कुछ ले ले। तो मेरे पास बिछिया जो था ना तो वो थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो फिर मेरे को वो लेनी थी चेंज, मतलब क्योंकि जब से शादी हुई थी ना तब से मैंने बिछिया नहीं परचेज़ की थी। तो मैंने बहुत ही प्यारा सा मंदिर देखा था तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मेरे को मंदिर चाहिए ही था तो मैंने मंदिर ले लिया था। फिर हम लोगों को क्या था कि घर आने में ना मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, तो डिनर हमने बाहर से ही किया।